छत्तीसगढ़ के गंडई में एक नाबालिग युवती से छेड़छाड़ करने का मामला प्रकाश में आया है। आपको बता दें कि पुलिस को नाबालिग युवती के परिजनों ने शिकायत कर आरोप लगाया था कि गंडई नगर के पंडरिया निवासी 23 वर्षीय युवक ने उनकी नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ की है, जिस पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को 24 घंटे में धर दबोचा। बताया जा रहा है कि 13 वर्षीय नाबालिग लड़की 8 दिसंबर को अपने परिवार के साथ खेत में गई थी। इस दौरान मौका पाकर आरोपी नाबालिग युवती को खींच कर ले जाने लगा। तब नाबालिग के पिता अपनी बेटी की आवाज को सुनकर वहां पहुंच गए। इस दौरान आरोपी मौके से फरार हो गया। बाद में पुलिस को शिकायत दी गई, जिसके चलते पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को धर दबोचा। गंडई से संवाददाता राशिद जमाल सिद्दीकी की रिपोर्ट। दिनांक 8 तारीख को रिपोर्ट आई थी, गंडई पंडरिया निवासी बालिका के पिता द्वारा रिपोर्ट की गई थी कि खेत में वो अपने बच्चों को काम करने के लिए लेके गया था, जहाँ पर वो अपने काम में व्यस्त था उसी दौरान बच्चे खेल रहे थे, तो उनकी 13 वर्षीय पुत्री के साथ एक व्यक्ति द्वारा जबरदस्ती करने का प्रयास करने के लिए उसको खींच कर ले जाया जा रहा था। बच्ची की आवाज़ सुनकर पिता वहाँ उपस्थित हुए, जिसे देखकर आरोपी भाग गया। आरोपी का नाम अन्ना उर्फ रामकृष्ण यादव है, जो गंडई निवासी है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 212/20 और धारा 354(6)(ख) पॉक्सो एक्ट 8 के तहत कार्रवाई की गई है और आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। इसके अलावा कोई जी नहीं, इसके अलावा नहीं कुछ। ऐसा तो नहीं कि पुराने मामले हों और बच्चे को फंसाया गया हो? जी नहीं, इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं। जो घटना घटी हुई वास्तविक जी, प्रार्थी की रिपोर्ट पर वास्तविक कार्रवाई की गई। नाम सुषमा सिंह, थाना प्रभारी गंडई। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise.